एक और खबर कोरबा से, जहां पर युवकों ने दो लड़कियों का अपहरण किया है और ये बाइक सवार युवकों ने लड़कियों का अपहरण किया है और माणिकपुरी चौकी क्षेत्र की रहने वाली हैं दोनों लड़कियां। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागने में एक लड़की तो सफल हो गई लेकिन एक को वो अपहरण करके ले गए हैं और सूचना के आधार पर अब पुलिस खोजबीन में जुट रही है। आपको बता दें कोरबा से सबकी बड़ी खबर आ रही है, यहां पर दो बच्चियों का अपहरण किया गया है और बाइक सवार कुछ युवक थे जिन्होंने बच्चियों का अपहरण किया, हालांकि एक बच्ची उनके चंगुल से भागने में सफल रही है। हमारे साथ मनोज यादव जुड़ चुके हैं सारा बातचीत के लिए कोरबा से। मनोज, पूरा जो मामला है पूरा विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे अपहरण हुआ, कौन युवक है, क्या कर रही है पुलिस, बताइए। मामला माणिकपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत इमरीडुगु बाईपास रोड की है, जहां दो युवती अपनी सहेली के घर गए हुए थे। वहां से वापस लौटते समय बाइक सवार युवकों से इनका आमना सामना हुआ। इस दौरान बाइक सवार युवक जबरदस्ती करने लगे, छेड़छाड़ करने लगे। इस दौरान एक युवती को उठा कर ले गए बाइक सवार, वहीं एक युवती युवकों के चंगुल से भागकर घर गई और घर जाने के बाद पूरा घटनाक्रम घर वालों को बताई। फिर इसकी सूचना संबंधित माणिकपुर चौकी पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी कर्मचारी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। इस दौरान युवती के कुछ कपड़े मिले, जहां जिसके आधार पर आसपास खोजबीन की जा रही थी। पुलिस को आशंका थी कि उसके साथ कुछ गलत होने के बाद उस घटना न घटित हो, इसे लेकर काफी खोजबीन की, घंटों प्रयास किया गया और अभी भी प्रयास किया जा रहा है कि युवती की बरामदगी हो जाए। पुलिस अभी भी संबंधित युवती के सहेलियों के घर की तलाश कर रही है ताकि उसकी जो लापता है उसको बरामद किया जा सके। चलिए मनोज, इस पूरे मसले पर नजर बनाए रखेगा, हम आपसे इसका अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।